उत्तराखंड में। एक बार फिर से मौसम विभाग का जो अनुमान था वो सही साबित हुआ और यमुना घाटी के ऊंचाई और निचले इलाकों में काले घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है जिससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश लगातार जारी है और हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि विकासखंड में सारी गांव में भारी ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे यहां पर हालात पैदा हो गए। गांव से सटा हुआ गधेरा उफान पर आ गया। वहीं एक महिला भी बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गए है, जिसकी तलाश में पूरा गांव जुट गया है और महिला की तलाश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि विकासखंड में सारी गांव में भारी ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे यहां पर हालात पैदा हो गए। गांव से सटा हुआ गधेरा उफान पर आ गया। वहीं एक महिला भी बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गए है, जिसकी तलाश में पूरा गाँव जुट गया है और महिला की तलाश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि विकासखंड में सारी गांव में भारी ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे यहां पर हालात पैदा हो गए। गांव से सटा हुआ गधेरा उफान पर आ गया। वहीं एक महिला भी बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गए है, जिसकी तलाश में पूरा गाँव जुट गया है और महिला की तलाश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि विकासखंड में सारी गांव में भारी ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे यहां पर हालात पैदा हो गए। गांव से सटा हुआ गधेरा उफान पर आ गया। वहीं एक महिला भी बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गए है, जिसकी तलाश में पूरा गांव जुट गया है और महिला की तलाश लगातार जारी है।